मुझे फीवर आने लगा था, तो एक दिन तो दवा खा के ठीक हो गई थी, मगर 7th 8th डे 9th डे फीवर मेरा डे बाई डे इंक्रीज होने लगा और मुझे चलने फिरने में सांस भी फूलने लगी। तो ये हुआ था, ऑनलाइन कंसल्टेशन करके मैं होम आइसोलेशन में थी, मेडिसिन प्रॉपर खा रही थी। डे 1st से लेके डे 6 तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ, पर डे 7 से डे 14 तक की कंडीशन आज मैं आपको बता रही हूँ। डे 7 से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, ज़्यादा फीवर आने लगा। डे 8 पे भी फीवर आया बहुत ज़्यादा, और तो मेडिसिन लेती थी उतर जाता था फीवर, मगर फिर 4 घंटे बाद फिर चढ़ जाता था। तो ये हुआ कि अब डे 8 में डॉक्टर को जाऊँ, दिखा लूँ, सारे टेस्ट फिर से रीटेस्ट करा लूँ, सीटी थोरेक्स करा लूँ, क्योंकि अब चलने में बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब मैं गई डे 8 पे डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने मेरा सारा टेस्ट लिखा, टेस्ट के मैं नाम मेंशन कर दे रही हूँ, डी डाइमर, फेरिटिन, CBC, CRP, ये सब डॉक्टर ने चेक कराया, सीटी थोरेक्स कराया, और उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे वेट के रिपोर्ट है, और मेरे सारे लेवल्स जितने भी थे टेस्ट के सब बढ़े थे, और मेरी कंडीशन एकदम सीवियर स्टेज पे हो गई थी। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कैसे इतने ज़्यादा बीमार पड़ गई, जबकि मैं प्रॉपर 1st से 6th डे तक मेडिसिन भी ली डॉक्टर के एडवाइस से, उसके बाद स्टीम भी लेती थी, काढ़ा भी लेती थी। आज मेरा 17th 18th डे है, बट मेरी अभी भी तबीयत, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। अभी जब मैं सीटी थोरेक्स कराई तो मेरे स्कोर आए आउट ऑफ 25 से 14, जो कि मॉडरेट से सीवियर स्टेज में होने वाला था। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, जब डे 9th पे गई डॉक्टर को विजिट कर, मैं थोड़ा सा भी चल नहीं पा रही थी, अपने हस्बैंड को पकड़ के धीरे धीरे चल रही थी। इसी दौरान मैं आपको बताई थी, मेरी सास भी कोविड पॉजिटिव थी, उनकी तबीयत बेहतर होने लगी थी, बट डे 13th पे जिस दिन हम लोग के घर ईद था, उस दिन वो एक्सपायर कर गई। ऑक्सीजन इम्बैलेंस की वजह से वो, मैं पूरा आपको अपडेट बताऊंगी कि कैसे उनकी तबीयत ख़राब हुई, कैसे कौन सी मेडिसिन चली, कैसे ये कंडीशन हुई, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये था क्या कहते हैं, मेरी सीवियरिटी कैसे बढ़ी, फिर मेरी मेडिसिन चली 5 डेज कंटिन्यू, बट सिर्फ मेडिसिन से नहीं, एज अ डॉक्टर मुझे लगा कि मेडिसिन से काम नहीं होगा, और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होने लगा था, 88 87 तक आ गया था, कंडीशन डे बाय डे और डाउन ही होती जा रही थी। तो फिर हम लोग इंजेक्शन फॉर्म में, 2 दिन इंजेक्शन लगा विद स्टेरॉयड, तो मैं रिकवर कर गई, फीवर मुझे नहीं आ रहा था। फिर मेरी मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, और सेल्फ मेडिकेशन कुछ करके दोनों साथ में चला, तो मैं ठीक हो गई 5 दिन। उसके बाद फिर रीविजिट की डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने देखा और सारी दवा लिखी, अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही है। RT-PCR टेस्ट मैं 11 को कराई थी तो पॉजिटिव था, अभी फिर मैं RT-PCR नहीं कराई हूँ, एंटीजन टेस्ट की हूँ, उसमें नेगेटिव आया है, बट फिर भी मैं 24 आवर्स प्रिकॉशन ले रहती हूँ, ये मेरा मास्क कभी नहीं उतरता है, 24 घंटे मैं लगाए रहती हूँ, सोती हूँ तब भी लगाए रहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो। वैसे तो मैं होम आइसोलेशन में हूँ, अब बेटर हूँ, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है बॉडी में, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने का मन करता है, चलने फिरने का भी मन नहीं करता है, बस स्ट्रेस। गाइस, आप जितना रेस्ट करोगे, बॉडी को आराम दोगे, उतना आपको, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगी, और आप जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आप कोशिश करिए इनहेल एक्सहेल वाला एक्सरसाइज ज़रूर से करिए, और अगर आपको बेटर लगे तो स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जितना आप स्पायरोमीटर से आपको इफेक्टिव मिले, इफेक्ट रहेगा, उतना आपको जो इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइज करें उससे नहीं इम्प्रूवमेंट होगा। स्पायरोमीटर से उसमें 3 बॉल्स होती हैं, येलो कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, जितना आप उसको खींचेंगे उतना वो ऊपर जाएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप
उनका लंग्स कितना कैपेबल है ऑक्सीजन अंदर इनहेल करने के लिए। तो गाइज ये आप दिन भर में एक बार दो बार करिए ताकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो डे बाई डे। ये था मेरा एक्सपीरियंस 7 डे से 14 डे का एक्सपीरियंस, जिसमें 13 डे पे मेरी सास की डेथ हो गई। ईद के दिन उनकी मिट्टी हुई और अब हम लोग तो बेटर है, हमारे घर में दो लोग पॉजिटिव थे, हम मेरी नन मेरी सास तीन लोग थे, तो जिसमें से सास की तो डेथ हो गई और हम दोनों लोग इस वक्त नेगेटिव है, बाकी घर में भी सब ठीक है। और गैस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि कोरोना कोविड पॉजिटिव में आप कब सीवियरिटी इंक्रीज हो जाए आपके अंदर आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप मेडिसिन लेते भी रहोगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे हो गया अचानक से, टाइमली मेडिसिन लिए क्वारंटाइन भी हो गए तब भी। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मैं आपको अपडेट नेक्स्ट बताऊंगी कि कैसे क्या कंडीशन है मेरी सांस की और कौन सी मेडिसिन चली। तो गाइज ये था मेरा एक्सपीरियंस डे 7 से डे 14 तक, और मैं अभी आरटीपीसीआर टेस्ट फिर से कराऊंगी। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आया है, आरटीपीसीआर टेस्ट है आज कराऊंगी, देखती हूँ कि पॉजिटिव होप्स हो कि नेगेटिव होगा, ऐसा कोई सिम्टम अब मुझे नहीं है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रोटीन डाइट्स लेते रहिएगा, जिसमें आप पनीर आप ले सकते हैं थोड़ा सा, और सोयाबीन ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं, ये सब आप लेके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखी रहिए। अगर इस पॉसिबल हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से अच्छा है कि आप जाके डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के देखने में ऑनलाइन कंसल्टेशन में बहुत डिफरेंस होता है। मैं भी फर्स्ट डे से 6 डे तक तो ऑनलाइन ही कंसल्ट करके मेडिसिन ली थी, बट 7 डे से जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी 7-8 डे पे, तो 9th डे पे कहीं चेक कराई तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया, क्या चीज़ बढ़ा है आपके बॉडी में, क्या कमी है, सब कुछ क्लियर हो गया। उस हिसाब से मेडिकेशन ली विद इंजेक्टेबल्स, तो आज मैं ठीक हूँ। थैंक यू।